नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए सूजी के ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ। सुबह नाश्ते में ये खाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है और आसान रेसिपी भी है। तो उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से हैं। एक कटोरी सूजी है, आधी कटोरी बेसन है, एक चम्मच जितनी उड़द दाल है, धुली उड़द दाल, और छाछ है, थोड़ा मट्ठा है मतलब गाढ़ा। आप दही भी ले सकते हैं या आपके पास छाछ हो तो आप वो भी ले सकते हैं, बस ये थोड़ा खट्टा हो आपको ये ध्यान रखना है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में मैं सूजी डाल लूँगी। ये मोटी वाली सूजी ही है, आप चाहें तो थोड़ी बारीक भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा कटोरी बेसन है, ये भी मैं इसी में डाल लेती हूँ। उड़द की दाल भी मिला लेती हूँ। इन सबको एक बार हम सूखा ही मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार छाछ मिलाएंगे। आप अगर दही डाल रहे हैं तो दही डालें और फिर साथ में थोड़ा सा पानी डालें ताकि इसका हम अच्छे से घोल कर सकें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं करना है, लेकिन एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है हमें। थोड़ा सा पानी में, थोड़ी सी छाछ में और मिला रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा है ये। अभी जब इसमें सूजी के दाने फूलेंगे, बेसन और सूजी के दाने, तो थोड़ा सा ये और टाइट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा छाछ और मिला लेती हूँ, वापस से मिक्स कर लेती हूँ और इसे एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से इसके दाने फूल जाएं। ढक्कन लगा के एक घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ और उसके बाद में मैं आपसे वापस मिलती हूँ। एक घंटे के लिए हमने बैटर को भिगो दिया था और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है अब, तो मैं थोड़ा सा इसमें छाछ और मिला रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, बस इतनी सी छाछ में मिला रही हूँ और मिक्स करेंगे एक बार। साथ ही साथ हम दूसरा आइटम मिला लेते हैं, हल्दी डाल लेती हूँ। दो हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल लेती हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिक्स करेंगे एक बार। एक ही डायरेक्शन में चलाना है हमें और अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। इसके अंदर, इससे पहले कि मैं इनो डालूं, आप देखिए मैंने प्लेट ली है और उसके अंदर ऑयल डाल लिया है और इस प्लेट को हम पूरा ग्रीस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख लिया है ताकि हम इसमें सीधा स्टीम करने के लिए रख सकें। प्लेट ग्रीस हो गई है अच्छे से। इस बैटर के अंदर अब मैं इनो मिलाऊंगी। एक चम्मच इनो डालेंगे और वापस से इसे मिक्स करेंगे। आप अगर खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो इस वक्त इसके अंदर आप एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से बैटर फूल गया है। ये प्लेट मैंने कुकर में रख दिया जिसको हमने ग्रीस किया था, और इस समय ये जो हमारा खमण का बैटर है ढोकले का, वो पूरा इसके अंदर डाल लेते हैं। इनो डालने के बाद में हमें ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है। इसे मैंने पूरा डाल लिया है, तेज आंच पे हम रखेंगे और इसको ढक्कन लगा लेते हैं और 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे।
15 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और मैंने इसे चेक किया है और हमारा ये ढोकला बन गया है। देखिए चाकू से जैसे कि टेस्ट करते हैं, चाकू एकदम साफ़ आया है, मतलब ढोकला बन गया है। तो मैं गैस बंद कर लेती हूँ और प्लेट को निकाल के और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने देती हूँ। ये ढोकला की थाली जो है रूम टेम्परेचर पे आ गई है दोस्तों, तो इसको मैं कट लगा दूँगी इस तरीके से। जिस तरह से पीस में आप खाना चाहें उस तरह से आप इसे कट लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इसको पूरा काट लेती हूँ एक बार, कटिंग करके, और मैंने इस तरह से इसे अलग अलग कर लिया है दोस्तों। और इस तरह हम तड़के की तैयारी करी हुई है, तो आइए तड़का लगाते हैं। तेल गरम हो गया है, कढ़ाई में तेल रखा है और तेल गरम हो गया है। राई मिलाएंगे और इसको क्रैकल होने देंगे। राई क्रैकल हो रही है, साथ में तिल डाल रही हूँ। तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची मिला रही हूँ, कड़ी पत्ता भी मिला रही हूँ। एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो खमन ढोकला हमने काट के रखा था इसे मैं अंदर डाल रही हूँ पूरा ही, और इसे हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। आंच कम कर देंगे और बस तड़का सारे पीसेस पे लग जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है और हल्के हाथों से करना है। अच्छे से तड़के में हमारे ढोकले मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मिला रही हूँ और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ढोकला हमारा बन के तैयार हो गया है, सूजी और बेसन का ढोकला, जिसे हमने दही के घोल में बनाया था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मेरी रेसिपी से रेसिपी बना के देखिए। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर सूचित करिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बहुत ही जल्द मैं नई रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।